अरे अरे मैडम क्या कर रहे हो आप? ये भाई शैंपेन होल्ड। अरे शैंपेन नहीं है रे, ये है वेज फ्राइड मोमोज। वेज फ्राइड मोमोज? यस। कितने क्यूट लग रहे हैं ना। ऐसे कपल्स वगैरह या कोई भी सिंगल भी फ्रेंड्स वगैरह हर कोई आके यहाँ पे चिल मोमेंट बिता सकता है। Hey guys, welcome to another video. तो guys, बहुत दिन बाद लॉकडाउन खुला था। आज बाहर घूमने के लिए निकले हैं तो पता चला कि राजा कैफे बोल के एक नया कैफे ओपन हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि आज ये कैफे ही एक्सप्लोर करते हैं। और देखो मेरे साथ कौन है, भाभी। हाय। तो गाइस ये एड्रेस के बारे में आपको बता दूं, ये जो राजा है ये हम लोग का झीटपानी रोड में है, तो सुजुकी के शोरूम के ठीक ऑपोजिट में आपको ये राजा कैफे मिल जाएगा। तो ये उनका सिटिंग एरिया एक बाहर रखा गया है और अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। अरे अरे मैडम क्या कर रहे हो आप? ये भाई शैंपेन होल्ड। अरे शैंपेन नहीं है रे भाई, भाभी ये शैंपेन नहीं है, ये बस डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा पीने का शौक है। सो गाइस आप चकमा खा गए शायद, राइट? क्योंकि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही दिख रहा है ये कैफे। तो ये सारे जो डिजाइन वगैरह यहाँ बने रियली अट्रैक्टिव हैं, और ऐसे कपल्स वगैरह या कोई भी सिंगल भी फ्रेंड्स वगैरह हर कोई आके यहाँ पे चिल मोमेंट बिता सकता है। और स्पेस भी बहुत है, इवन बाहर भी मैंने दिखाया था आपको अभी, स्पेस है बैठने के लिए। तो ये सब कैसे दिमाग में आया और कैसे ये शुरुआत हुआ इस कैफे का? सर आपका नाम? गणेश नायक। ओके, तो ब्रो आप बताइए कि ये कब शुरुआत हुई थी कैफे की? ये दिसंबर 2020 में मैंने स्टार्ट किया। ओके, तो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, राइट? ओके, और फिर कैसे आपको ध्यान में आया कि बाहर से, मैं भी शॉक हो गया कि बाहर से लग ही नहीं रहा कि अंदर इतना अच्छा। हम लोग ज्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं किए क्योंकि इधर थोड़ा लोकल भी। ओके ओके, फूल भी ज्यादा उठता है, राइट? और अंदर आके सबको सरप्राइज मिलता है, डेफिनेटली बहुत ही बहुत अट्रैक्टिव बनाए हुए आप एक्चुअली ओनर हो यहाँ के? हाँ। बढ़िया। और एक बात, लोग क्यों यहाँ आना चाहेंगे बाकी कैफे में ना जाके? क्या स्पेशलिटी है यहाँ पे आपको? इधर रेट भी अफोर्डेबल प्राइस में है, राइट? और टेस्ट भी आप देखिए। यस यस, मैंने चेक किया, बहुत बहुत टेस्टी है, सीरियसली, राइट? राइट बहना, बहुत ग्रेट। और जो प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है और बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। ओके, मैडम को ये शेक बहुत पसंद आ गया, राइट? ठीक है। तो फिर एक एक आइटम जो बहुत डिमांड में है 6 महीनों में आपने नोटिस किया होगा, कौन सा वो आइटम होगा? हमारा मोमोज ज्यादा। मोमोज, राइट? और शेक भी है ज्यादा। यस यस डेफिनेटली। पिज्जा। ओके, पिज्जा भी है, राइट? ओके, और ये आपका आइटम्स वगैरह जोमेटो में भी अवेलेबल है? जोमेटो है, स्विगी है। ओके, तो राजा कैफे के नाम से सर्च करें तो मिल जाएगा, राइट? राजा कैफे। तो मैम आपने शेक पी लिया, राइट? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। सही है, हमें नहीं दोगे? क्यों दोगे तुम? बोला भगवान।
तुझे कैसे पता चला इस कैफे के बारे में? एक्चुअली मुझे ये कैफे इंस्टाग्राम पेज में मिला, मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे आई थी तो मैंने देखा और मुझे बहुत ही काफी अच्छा लगा। इनका इंटीरियर सीरियसली बहुत अच्छा है। मुझे एक शॉकिंग चीज क्या लगी, बाहर से देखेगा तो कोई लोग सोच भी नहीं सकते कि अंदर इतना कुछ है। उन्होंने इतना अच्छे से उन्होंने किया है इसको, बहुत दिमाग लगा है सीरियसली। नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर हैंग आउट करना है तो ये प्लेस में जरूर आना। बिल्कुल राइट। तो अभी हमने कुछ आइटम्स ऑर्डर किए हैं, राइट? क्या क्या ऑर्डर किए हैं? हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं वेज फ्राइड मोमोज और चिकन नगेट्स तेरे लिए और भाभी के लिए किटकैट शेक। किटकैट शेक? किटकैट शेक एक ही मंगाई तू? हाँ। अरे यार मुझे भी लेना था। मत खा, मोटा हो गया। जो खाऊंगी वो भी तुम खाओगे? हाँ मैं खाऊंगी वो ही। क्यों? क्यों? वो सिर्फ मेरे लिए। कुछ भी, कुछ भी मतलब। ओके, तो ये दूसरा जो आइटम हमारा आया है क्या है रे बहन, बोल। ये है वेज फ्राइड मोमोज। वेज फ्राइड मोमोज? यस। कितने क्यूट लग रहे हैं ना भाई। मोमोज तो मैंने ऐसे नहीं देखे, मैंने तो वो कच्चे वाले देखे थे। कच्चे वाले? मैंने फ्राइड मोमोज कभी खाया नहीं ना इसलिए। अच्छा, ये फ्राइड मोमोज बहुत टेस्टी रहता है। हाँ तो करना टेस्ट। गरम है ना? बाहर से बहुत क्रिस्पी है पर फ्राइड है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है यार, मजा आ गया सीरियसली। मैं किसी को नहीं देने वाली ये वाला। आ गया? नहीं, एक एक टेस्ट कर लो, बाकी मैं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो अभी मेरे चखने की बारी है। तो जो मैंने आप सबको दिखाया है एक्चुअली ये सारे आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अरे बहुत कुछ वैरायटी है इधर एक्चुअली। और तुमने एक चीज, मैंने एक स्पेशल चीज नोटिस की है। अच्छा, तो वो पता कैफे का नाम क्या है? रागा द टेस्ट ऑफ हेल्थ। यस ठीक है, तो यहाँ पे देख, आटा मोमोज, आटा सैंडविच, सूजी सूजी पास्ता, आटा मैगी। ओके, हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। अच्छा, नाम को जस्टिफाई करता है एक्चुअली, राइट? यस। तो अभी कोई बताएगा ये क्या है? ये है चिकन नगेट्स। ओके, ये तो मेरा फेवरेट है। और आज तो मेरी चांदी चांदी है। क्यों रे? आज ना भाभी खाएगी ना मैं खाऊंगी। शिट, नहीं नहीं इतना भी नहीं है रे, मैं पागल। अरे ये तो तेरे लिए कम पड़ जा रहे हैं। नहीं, ये तो तेरे लिए कम है। अरे ये कुछ डिफरेंट ही लग रहा है मुझे। ऐसे नगेट्स मैंने नहीं खाए, वो मैंने दूसरे थे। ये कुछ अलग ही पैकेट वाले आते हैं, उससे भी बेहतर है क्या? इसमें मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा पता है क्या? इसके अंदर जो पेस्ट है ना, चिकन चिकन का है रे, चिकन का पेस्ट बहुत भयंकर मारा है अंदर, बहुत टेस्ट आ रहा। सो फाइनली गाइस, लगभग एक घंटा हमने यहाँ गुजारा, आराम से जो आइटम्स थे खाए, आराम से चिल किया, एसी भी लगाए, देख सकते हो एकदम गर्मी पसीना। अरे मेरे पसीने हमेशा निकलते ही रहते हैं, मेरा प्रॉब्लम है। जिसके शरीर में बहुत चर्बी होता है ऑब्वियसली पसीना। यस। तो गाइस, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे आके, ये कैफे में आके। और सच्ची आपको अपने फ्रेंड्स, लवर और सिंगल भी हो, कोई मतलब नहीं, आना और ये कैफे में बहुत एंजॉय करना। ये एड्रेस तो बता दिया है हमने। यस, खाना भी बहुत टेस्टी है यहाँ का फूड। और आप और हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं कि जरूर आना, एंड हम लोग की तरफ से इसको 5 स्टार। और हाँ, एक बार आ गए तो बार बार आओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और हमारा ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन हम डेफिनेटली बार बार आएंगे। यस, हर वीकेंड्स में आएंगे पक्का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो गाइस बाहर का लाइक उनका डिजाइन देख के बिल्कुल भी जज मत करना कि अंदर में कुछ ऐसे खास नहीं होगा। हम लोग खुद अंदर आके बहुत सरप्राइज्ड है। और इनका इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, और जो इनके ऑनर है उन्होंने बहुत दिमाग लगाया है इसमें, सीरियसली शी इज वेरी इंटेलिजेंट। मैं आपको थैंक यू। और सीरियसली हमें बहुत अच्छा लगा, हम बहुत बार बार आएंगे आपके यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और प्लीज इसका ब्रांच अगर खुले ना तो बसंती में खुलेगा। हाँ, सिविल टाउन बसंती, ठीक है।
तो गाइस जाने का टाइम आ गया, मन ही नहीं कर रहा था बाहर निकलने का, बट यार भाभी ने गिरा दिया। अरे भाभी तो हमेशा कुछ ना कुछ गिराती ही रहती है तुम्हारी। पति को भी कभी गिरा दे स्कूटी से, वो ठीक रहेगा। हाँ। मैं चलता हूँ गाइस, मेरा बहुत खतरा परिस्थिति हो चुका है इधर। Thank you.